ठीक है ठीक है, ब्लॉक तो पहुंच गए हैं, बाकी रेती जो है सुबह फिक्स मुझे 8 बजे चाहिए, ठीक है, और बजरी भले आप शाम तक भेज दीजिएगा, ठीक है, ओके, अल्लाह। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए। ये लीजिए कल के और आज के मिला के पूरे 3000। बहुत शुक्रिया। और हाँ, जो रकम आपने एडवांस मांगी थी वो कल आपको मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया, कोई बात नहीं। अच्छा देखो, कासिम कहाँ है? उसे बोलो तो वो भी आकर पैसे ले। जी ठीक है। और सुनाए जनाब, अब आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, पहले कहते नहीं है। माशाल्लाह, ये आप करते हैं काम का जरूर कर, अजान का जवाब दीजिए और ढेरों ने क्या कमाई। हाँ भाई, ये आपके पैसे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। أشهد أن لا إله إلا الله 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 أشهد أن محمد رسول 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 الله ये आपके पैसे कासिम भाई, आपसे एक बात पूछनी है। हम जाएं? नहीं नहीं, ऐसी कोई प्राइवेट बात नहीं है, आप लोग सुन सकते हैं। जी आप इरशाद फरमाइए। बात यह है कि मैं दे रहा था आपको पैसे, पर आपने आजान का बताकर पैसे लेने से इनकार कर दिया। ये बात मुझे समझ में नहीं आई, यहाँ भला कौन सी तलावत हो रही थी? जी जी, उस वक्त मैं भी सोच में पड़ गया कि पैसे पकड़ने में कौन सा टाइम लगता है। जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, टाइम तो नहीं लगता। असल में मैंने एक किताब है बहार शरीयत, उसके पहले जिल्द के सफ़ा नंबर 473 पर पढ़ा है कि जब अजान हो तो उतनी देर के लिए तमाम काम मौकूफ़ कर दीजिए, अजान को गौर से सुनिए और जवाब दीजिए, इकामत में भी इसी तरह कीजिए। अजान के दौरान चलना फिरना, बर्तन गिलास वगैरह उठाना, खाना वगैरह रखना, छोटे बच्चों से खेलना, इशारों में गुफ्तगू करना वगैरह, सब कुछ माकूफ कर देना ही मुनासिब है। बल्कि यहाँ तक लिखा है कि जो अजान के वक्त बातों में मशगूल रहे, माज़ल्ला उसका खातिमा बुरा होने का खौफ है। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। कासिम भाई, अभी आपने बताया था कि अजान को गौर से सुने और इसका जवाब दीजिए। जी वो इसलिए कहा था कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जिसका खुलासा अर्ज करता हूँ। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए औरतो, जब तुम बिलाल को अजान व इकामत कहते सुनो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इसके हर कलीमे के बदले में तुम्हारे लिए 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 1,000 दरजात बुलंद फरमाएगा और तुम्हारे 1,000 गुना मिटाएगा। खवातीन ने यह सुनकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये तो औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? फरमाया, मर्दों के लिए दुगना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत पर कुर्बान, उसने हमारे लिए नेकियां कमाना और गुनाह बख्शाना किस कदर आसान फरमा दिया। पर अफसोस कि इतनी आसानियों के बावजूद हम गफलत का शिकार रहते हैं। जमील भाई, हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां। सुभान अल्लाह। जमील भाई, ये अजान में कितने कलमे होते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये 2 कलिमात हैं। इसी तरह पूरी अजान में कुल 15 कलिमात हैं। इस तरह तो 1,50,000 नेकियां हो गईं। ये तो औरतों के लिए है, मर्दों के लिए डबल है, यानी 30,00,000 नेकियां। अब सोचें कि दिन में 5 मरतबा अजान दी जाती है, अब 30,00,000 को 5 से ज़रब दें
तो ये कितनी नेकियां बनी? 1.5 करोड़ नेकियां। 1.5 करोड़ नेकियां जी। और फजर की अजान में 2 मरतबा अस्सलातु खैरु मिनन्नौ भी है, यूं हो गए 17 कलिमात। सुभान अल्लाह। नेकियां मजीद बढ़ी? बिल्कुल बढ़ी। अब आ जाए अकामत की तरफ। हर नमाज से पहले अकामत और हर अकामत में 17 कलिमे। अब लगाएं हिसाब, कितनी नेकियां बनी? नहीं कासिम भाई, अब हिसाब नहीं लगाना, अब तो अमल करना है, सिर्फ अमल। और मैंने तो ये पक्की नियत कर ली है कि आज से अजान व अकामत का जवाब जरूर बिल जरूर दूंगा। ये तो मुफ्त की नेकियां हैं भाई। और फिर टाइम कितना लगा? मुश्किल से 2-3 मिनट। और नेकियां करोड़ों। कासिम भाई, अजान का जवाब देने की नियत तो मैंने भी कर ली, मगर जवाब देना कैसे है? अजान का जवाब देने का तरीका मैं अर्ज कर देता हूँ। अजान देने वाले को चाहिए कि जब मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहकर सकता करे, यानी खामोश हो, उस वक़्त ये भी कहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और बाकी कलिमात का भी इसी तरह जवाब दे। मिसाल के तौर पर शाकिर जी, वो अजान के शुरू के कलिमात जरा अजान के अंदाज में अदा करना। आप सब मेरी तरफ गौर से देखें, मैं इनका जवाब कैसे देता हूँ। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। समझ गए? जबरदस्त, इतने कम वक्त में इतनी नेकियां, सुभान अल्लाह। अगर आप मजीद मालूमात जानना चाहते हैं तो दावत इस्लामी के इशाते इदारे मकतबतुल मदीना से शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का रिसाला फिजान अजान हासिल कीजिए। इंशाल्लाह आपकी मालूमात में बहुत इजाफा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम भाई, जजाकल्लाह खैरा। चले, नमाज का टाइम भी होने वाला है जी। चले आज।